Dear students, assalamu alaikum. Hopefully you will be greatly blessed with health and having the sound and the having the safe and sound health, and you will be enjoying your life. And today's our topic is letter writing, and in letter writing we will learn parts of letter. In today's lectures we will came to know what are the basic parts of our letter. Let's see one by one. दिस इज़ आउट लाइन ऑफ द लेटर. जब हमने कोई लेटर लिखना है तो उसके हमें पार्ट्स पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं और उनकी प्लेस और कैसे लिखना है, उनकी प्लेस की जगह कहाँ पर है और उनकी पोजिशन कहाँ पर है और उनको कैसे लिखना है. द फर्स्ट पार्ट वी कैन से दैट एग्जामिनेशन हॉल CTABC. इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर friend in the exams, this pattern is followed generally in the exams. ये pattern क्या है, normally हम exam में लिखते हैं. But here we can see that this is the inside address. ये क्या है, एक inside address है. जब भी हम whenever we have to write a letter to any person, first we have to write the address of that person, complete address. In complete address we also mention the name of the city, we mention the name of the street, society, town where that person is living. जहाँ पर वो person क्या है रह रहा है उसका address हम properly लिखते हैं. Next part है date. When the letter is being written, यानी कि जिस दिन वो क्या है letter लिखा जा रहा है उस दिन की हमने क्या करना है, date लिखनी है. And it's a second part of the letter. And third part is salutation. The person whom we are writing the letter. Dear Eliza, Hadia, officers, sir, brother, this is a salutation. When we have to write a letter to any person, we have to be salute. It means कि हमने उसे मुखातब करना है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं, किसके नाम पे लिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द लेटर बॉडी. दिस इज़ अ मेन पार्ट इन विच यू डिस्कस द बेस द इम्पॉर्टेंट मटीरियल ऑफ योर लेटर, इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लेटर, इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ योर लेटर. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द लेटर बॉडी. फर्स्ट वन इज़ द इनसाइड एड्रेस, सेकेंड वन इज़ द डेट, सैल्यूटेशन, लेटर बॉडी. लेटर बॉडी हैज़ द थ्री पार्ट्स, बिगिनिंग सेंटेंसेज, मेन बॉडी एंड एंडिंग सेंटेंसेज. व्हेन वी राइट अ लेटर टू एनी पर्सन वी स्टार्ट अ लेटर विद द गुड एंड द वेल रिप्यूटेड वर्ड्स, यानी कि हम अच्छे कलमात से उसका आगाज़ करते हैं. उसमें हम उसके बाद हम उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद इन थर्ड पार्ट में हम जो दैट इज़ द एंडिंग सेंटेंसेस उसमें हम उस लेटर के में जो बात है या अलविदाई कलमात को यूज़ करते हैं. ओके, व्हाट डू वी डिस्कस इन द लेटर बॉडी. वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इश्यूज दैट इज मेंशन इन द लेटर. जिस पर्पस के लिए आप लेटर लिख रहे हैं वो कहाँ पर डिस्कस होते हैं, लेटर बॉडी में. और लेटर बॉडी में वी स्टार्ट विद द गुड वर्ड्स, इसका मतलब कि हम अच्छे अलकबात से इसका आगाज़ करते हैं. होपफुली आप हैरियत से होंगे अगर इफ़ यू आर राइटिंग द उर्दू, एंड इफ़ यू आर राइटिंग इन द इंग्लिश यू वी कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्ड्स फॉर द लेटर बॉडी लाइक द होपफुली, होप यू एंड होप यू आर राइट, होप यू आर हैविंग द ग्रेट time, hope you will be greatly blessed with health and hope you will be safe and sound. Okay, in this, after mentioning the this kind of the sentences, then you can discuss different issues that you have to write and mention in the the letter.
एंडिंग सेंटेंसेस में यू कैन से दैट कि सलाम कह सकते हैं, होपफुली यू विल राइट मी सून, होपफुली यू विल बी विजिट मी सून, एंड होपफुली यू विल आंसर मी सून. यू कैन एंड यू मे से दैट द बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू आर राइटिंग फॉर अ लेटर फॉर द गुड विशेज एंड फॉर द बेटर आउटपुट ऑफ एनी पर्सन. यानी कि अगर किसी पर्सन के को आप अच्छे और अलविदाई कलमात से कहते हैं कि वो किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म करें, तो देन यू विल राइट द एंडिंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ द योर्स अफेक्शनेटली. जब आप लेटर का एंड करते हैं, उसमें कुछ अल्फाज आप यूज़ करते हैं, और वो अल्फाज के हैं आप उसमें अपना मोहब्बत, अपना रिलेशन शो कर सकते हैं. जैसे योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा, योर्स लविंग, योर ब्रदर, आपका भाई है तो योर वेल विशर. अगर आपका कोई हेर है, कोई बड़ा भाई है, कोई फादर है, या कोई मदर, आप जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. बट योर वर्ड्स शुड बी इन अ प्रॉपर वे. एंड दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द एंडिंग कम्प्लीमेंट्स. एट द एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द नेम, योर नेम. उसके बाद आप क्या गए, अपना नाम लिखते हैं. एंड इन द लास्ट यू विल राइट द, यू विल मैंशन द योर सिग्नेचर. हेयर वी कैन सी दैट अगेन इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस में हम सबसे पहले उस पर्सन का एड्रेस लिखते हैं जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. नेम ऑफ द स्ट्रीट, सोसाइटी, एंड आल्सो द नेम ऑफ द सिटी प्रॉपरली. इसलिए कि लेटर किसी पर्सन के घर जाने, वो किस शहर का है, किस जगह गली में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, एंड देन सो addressed inside address should be properly. Then date, you have to write the date. किस डेट को लिख रहे हैं. Then salutation, किस को मुहातिब कर रहे हैं, किसके नाम लिख रहे हैं. And this part is called the salutation. And the next part is letter body. Letter body में you discuss the important issues of your letters. And then ending compliments. Ending compliments क्या हैं, यानी कि आप लिख रहे हैं लेटर, वो आपका क्या लगता है, आप उसको किस क्या रिलेशन दे रहे हैं. देन यू हैव टू राइट योर नेम, एंड इन द लास्ट यू हैव टू राइट द मेंशन द सिग्नेचर. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ द लेटर, एंड यू हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द लेटर. 7 पार्ट्स. हियर वी कैन सी दैट इनसाइड एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, लेटर बॉडी, एंडिंग कॉम्प्लीमेंट्स, नेम एंड सिग्नेचर. You have to remember these parts and you have to practice. And in the next part, we will try to do a letter for practice. And I will share you in the next lecture. And take care of yourself and your loved one. Thank you. Allah Hafiz.